अगर आप वो पाना चाहते हो जो आज तक नहीं पाया, तो काम वो करना पड़ेगा जो आज तक नहीं किया। तो हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे इस खूबसूरत से चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा नाइन्थ गणित पार्ट दो बहुपद, जिसमें प्रश्नावली 2.4 का कराएंगे सोल्यूशन, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा स्टार्ट करेंगे? 2 स्टार्ट करेंगे। जो यह क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या निकालना है? गुणनखंड निकालना है। क्या निकालना है? गुणनखंड निकालना है। तो इस गुणनखंड के क्वेश्चन में हमने पहला क्वेश्चन कर रखा है। कहाँ कर रखा है? अपने चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट में। तो जाएं हमारे चैनल पर और वीडियो को देख लें, इसका पहला पार्ट, ठीक है, जो कि इससे पहले वाला क्वेश्चन है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको क्या कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा 2 क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या करना है? इसका गुणनखंड निकालना है। क्या निकालना है? गुणनखंड निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? अगर आपके पास, इससे पहले हमने द्विघात, यानी अगर x के पावर 2 है तो उसका गुणनखंड कैसे निकलता है वो हमने सिखाया था, लेकिन आज पढ़ेंगे कि अगर x की घात 3 है तो गुणनखंड कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं क्या करना है। जो ये लास्ट वाला है ना, इसका आपको गुणनखंड निकालना है। इस 5 का क्या करना है? आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो अगर मैं 5 का गुणनखंड निकालूं तो 5 का गुणनखंड क्या हो सकता है? या तो 1 होगा या तो खुद 5 होगा, है कि नहीं? 5 का अगर गुणनखंड निकालो तो 5 का गुणनखंड या तो 1 होगा या तो 5 होगा। अब हम क्या करेंगे? 5 का गुणनखंड क्या आया भैया? या तो 1 आया या तो 5 आया। तो हम इसमें प्लस 1 कर लेंगे, माइनस 1 कर लेंगे। इसमें हम प्लस 5 कर लेंगे, माइनस 5 कर लेंगे। मतलब कि जो आखिरी का गुणा, जो आखिरी था उसका जो गुणनखंड है, उसको एक बार प्लस के साथ लेंगे, एक बार माइनस के साथ लेंगे। इसको एक बार प्लस के साथ, एक बार माइनस के साथ। अब क्या करेंगे हम? यक्स की जगह एक बार प्लस 1 रखेंगे, यक्स की जगह एक बार माइनस 1 रखेंगे, यक्स की जगह एक बार प्लस 5 रखेंगे, यक्स की जगह एक बार माइनस 5 रखेंगे। इस यक्स की जगह, मतलब कि यक्स की जगह कुछ भी इनमें से रखने पे अगर यह पूरा 0 हो जाएगा तो हमारा काम बन जाएगा। मतलब यह करना है कि यक्स की जगह हमें इनमें से कुछ भी रखें, जो रखने पर अगर यह पूरा 0 दे दे रहा है तब तो हमारा काम बन जाएगा। उसके बाद क्या करना है हम आगे बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यक्स बराबर 1 रख के चेक करते हैं। भैया यक्स बराबर कितना रखते हैं? 1 रखिए, 1 का क्यूब माइनस 3 गुणे यक्स की जगह 1 का स्क्वायर माइनस 9 गुणे यक्स की जगह 1 माइनस 5। 1 का क्यूब 1 होगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा, 3 का गुणा 1 में होगा 3 हो जाएगा, 9 का गुणा 1 में होगा 9 हो जाएगा, माइनस 5। तो ध्यान से देखिए, ए भी माइनस, ए भी माइनस, ए भी माइनस, तो 9 3 12 5 17, 1 माइनस 17, यह कभी 0 दे ही नहीं सकता। ये 0 आएगा? नहीं आएगा। इसका मतलब कि x बराबर 1 रखने पर यह 0 नहीं हो रहा है, x बराबर 1 रखने पर 0 नहीं हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, x की जगह माइनस 1 रखेंगे, x की जगह क्या रखेंगे? माइनस 1 रखेंगे। ऐसे हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम मिटाते हैं और x की जगह क्या रखते हैं? माइनस 1 रखते हैं। x की जगह क्या रखते हैं? माइनस 1, यानी x बराबर क्या रखेंगे? माइनस 1 रखिए। x की जगह माइनस 1 के पावर 3 माइनस 3 गुणे x की जगह माइनस 1 के पावर 2 माइनस 9 x की जगह माइनस 1 माइनस 5। माइनस 1 के पावर 3 करेंगे तो कितना आएगा? माइनस 1 ही आएगा। माइनस 1 का स्क्वायर होगा तो 1 हो जाएगा, और 1 का गुणा 3 में होगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 3। है माइनस और हाई माइनस, प्लस हो जाएगा, 9 करने 9, यहाँ से क्या आ गया? माइनस 5, ठीक। तो ध्यान से देखिए, यह भी माइनस, यह भी माइनस और यह भी माइनस, तो माइनस वाले क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए। तो 5 3 8 1 9, यानी क्या आ गया? माइनस का 9, हाई प्लस का 9। प्लस 9 से माइनस 9 क्या हो गया? कट गया, और क्या आ गया भैया? 0 आ गया। क्या आ गया? 0 आ गया। इसका मतलब कि x बराबर माइनस 1 रखने पे, x बराबर माइनस 1 रखने पर यह पूरा जो हमारा बहुपद था यह क्या हो गया? 0 हो गया। अब सुनो क्या करना है। क्या रखने पे 0 हुआ है? x बराबर माइनस 1 रखने पे क्या हो गया? 0 हो गया है। तो क्या करेंगे? इस माइनस 1 को इधर लाएंगे तो बताओ x प्लस 1 हो जाएगा कि नहीं? क्या हो जाएगा? x प्लस 1 हो जाएगा। यानी कि x प्लस 1, इसका एक क्या आ गया? गुणनखंड आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि यहाँ से प्लस 1 को उधर भेजने पे माइनस 1 आ रहा है, और इसको रख रहे हैं तो 0 हो जा रहा है। इसका मतलब यही है कि जो x प्लस 1 है, इसका एक क्या है? गुणनखंड है।
तो एक गुणनखंड तो निकल गया, लेकिन हमें और गुणनखंड निकालना है। तो और गुणनखंड कैसे निकलेगा? अब हम x प्लस एक से इसमें क्या करेंगे? भाग देंगे। तो आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा, तो आराम से इसको उतारिए, हम अगला गुणनखंड बताने जा रहे हैं, ठीक है। x प्लस एक आया था ये गुणनखंड, इसका x प्लस एक, इसका क्या आया था? एक गुणनखंड आया था। अब क्या करेंगे हम इस x प्लस एक से, हम इस x प्लस एक से भाग देंगे किसमें? x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, ठीक। अब शुरू ध्यान से भाग देना है, भाग देना। मैं आपको बता चुका हूँ क्या करते हैं, हम इस x को इस x के साथ तुलना करते हैं, यानी इस x को हम इसके बराबर लाते हैं। कैसे लाएंगे बराबर? तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर x के पावर 3 है, यहाँ पर x पावर कितना है? 3। मैं क्या करूँ कि x के पावर 3 हो जाए, मैं क्या करूँ कि यहाँ पर x पावर क्या हो जाए? 3 हो जाए। मुझे लगता है कि मैं अगर इसमें x स्क्वायर से गुणा कर दूँ, इसमें x स्क्वायर से क्या कर दूँ? गुणा कर दूँ, तो x के पावर 3 बन जाएगा। मतलब कि इस पूरे में मुझे क्या करना पड़ेगा? x स्क्वायर से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है ना, तभी तो बराबर होगा। तो एक में x स्क्वायर से गुणा होगा, तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का x में होगा तो क्या हो जाएगा? x के पावर 3। यानी जितने से गुणा करते हैं उतने टाइम्स भाग जाती है। तो यहाँ पर लिख लेंगे x स्क्वायर कितना आया है? आया है x क्यूब प्लस x स्क्वायर। आपको पता है क्या करते हैं? घटाते हैं, और घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? चिन्ह बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। जय हिंद जय भारत, ऐसे कट जाएगा। ये माइनस है और ये भी क्या है? माइनस। तो 3x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर क्या हो जाएगा? माइनस 4x स्क्वायर। यहाँ से उतरेगा क्या? माइनस 9x, ठीक। अब क्या करेंगे हम? अब क्या करेंगे? अब हमको इस x को इसके बराबर लाना है। तो यहाँ पर पहली बात माइनस है, तो हम माइनस लगा लेंगे, ठीक है। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 कैसे आएगा? जब 4 से गुणा होगा मतलब यहाँ पर 4 हो जाएगा। आप सुनिए, यहाँ पर x के पावर 2 है, यहाँ पर x पावर कितनी है? 1 है। मतलब x से गुणा करना पड़ेगा, तभी पावर क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। हाई पावर 2 कैसे होगी? जब इसमें x से क्या कर देंगे? गुणा। यानी यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? यानी कि हमें माइनस 4x से क्या करना है? इसमें गुणा करना है। यानी कि x प्लस 1 में हमें करना है माइनस 4x से गुणा। तो गुणा करिए तो हो जाएगा माइनस 4x, इससे करें तो क्या हो जाएगा? माइनस 4x स्क्वायर। इसको लिख दीजिए यहाँ पर, तो माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4x, चिन्ह बदल जाएगा, माइनस प्लस माइनस प्लस, यह खत्म हो गया। ये माइनस 9x, ये प्लस 4x, तो प्लस और माइनस क्या होता है? माइनस 9 में 4 गया, कितना बचा? माइनस 5x। क्या बचा? माइनस 5x। यहाँ से माइनस 5 क्या कर लेंगे? उतार लेंगे। अब फिर सुनिए क्या करेंगे, क्या करेंगे हम इस x को इसके बराबर लाएंगे, तो मुझे लगता है माइनस 5 बार जाएगा, माइनस 5 बार जाएगा। माइनस 5 से गुणा करोगे तो माइनस 5x हो जाएगा ना, तो इसके बराबर हो जाएगा। इसका मतलब यह है, इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि x प्लस 1 में गुणा करना किससे? माइनस 5 से। तो इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस 5। इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस 5x, ठीक। यहाँ पर लिख लेंगे माइनस 5x और माइनस 5, चिन्ह बदल जाएगा, माइनस प्लस और माइनस प्लस, एक कट जाएगा, प्लस 5x से माइनस 5x, और प्लस 5 से माइनस 5 कट जाएगा, क्या जाएगा? जीरो। क्या जाएगा? जीरो। अब देखो, ध्यान से देखो, जो भागफल आया है, यह भागफल जो आया है, ये भी क्या है? एक द्विघात आया, कि द्विघात बहुपद है कि नहीं? तो ये अभी क्या है? इसका एक गुणनखंड ही आया है। ध्यान दीजिएगा, x प्लस एक इसका गुणनखंड है। जब हमने x प्लस एक से इसमें भाग दिया तो जो भागफल आया वो भी इसका क्या है? एक गुणनखंड है। तो एक गुणनखंड हमें यह मिल गया, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, ठीक। तो इतना आप आराम से उतारिए, आगे बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए, इसका एक गुणनखंड आया था x प्लस एक, जब हम इससे भाग दिए हैं, इससे क्या किया, इसमें भाग दिए हैं, तो आया है क्या? आया है x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। इसका मतलब यह है भैया कि इस जो यह जो था, इसके दो गुणनखंड आ गए, एक यह और एक यह। लेकिन अगर आपको याद हो तो इसका हम अभी गुणनखंड कर सकते हैं, क्योंकि यह द्विघात बहुपद है, और द्विघात बहुपद का हम गुणनखंड कर सकते हैं, समझ में आया। तो इसका हम फिर से क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। मैं आपको बता दूं, यह क्वेश्चन बड़ा है, लेकिन बड़ा से ही हमको आगे बढ़ना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या ऐसे करेंगे। एक गुणनखंड है इसका, फिर करेंगे गुणनखंड, ठीक है। और इसका गुणनखंड करना मैं आपको सिखा चुका हूँ, कैसे द्विघात बहुपद गुणनखंड करते हैं, कैसे करेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, जो x स्क्वायर का गुणांक होता है
उसका लास्ट वाले से गुणा करते हैं, तो एक्स स्क्वायर का गुणा कितना, अभी एक है ना, तो एक का गुणा किसमें करेंगे, पाँच में, तो एक गुणे पाँच कितना आ गया भैया पाँच। अब पाँच को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, पाँच को ऐसे दो भागों में बांटेंगे कि घटाने पे चार आ जाए, घटाने पे क्या जाए चार आ जाए, तो मुझे लगता है पाँच और एक, गुणा कर रहे हैं तो पाँच आ रहेगा लेकिन घटाने पे कितना आएगा चार, तो पाँच में से एक घटेगा चार आ जाएगा ना, लेकिन हमें माइनस का चार लाना है, तो मतलब कि हाई माइनस रहेगा और हाई क्या रहेगा प्लस रहेगा, तभी तो माइनस आएगा चार, और दोनों क्या कर देंगे एक एक एक्स दे देंगे, तो लिखेंगे इसको एक्स स्क्वायर माइनस पाँच एक्स प्लस कितना एक एक्स माइनस पाँच, यहाँ से दो यहाँ से दो, इन दोनों कितना कामन है एक्स कामन है, तो यहाँ से एक एक्स बचा, यहाँ से एक्स हट गया तो क्या बचा पाँच, प्लस इसमें कुछ कामन नहीं है तो एक कामन है, तो जो एक कामन लेते हैं तो वही उतार लेते हैं, दोनों में एक्स माइनस पाँच है एक जगह कर लेंगे, और यहाँ से एक्स प्लस एक, ठीक है, तो इसका गुणनखंड यह आ गया, और ये गुणनखंड यह तो था ही, ठीक है, तो ध्यान से देखिए ये एक्स प्लस एक दो बार आ गया उससे मतलब नहीं है, तो यही हमारे क्या आए हैं गुणनखंड आए हैं, किसके इसके, ठीक है, यानी इसके क्या आए हैं ये तीनों गुणनखंड आए हैं, समझाया ना, कैसे गुणनखंड निकालना है, सबसे पहले जो आखिरी वाला होगा उसका गुणनखंड करेंगे, ठीक है, यानी कि पाँच का गुणनखंड करें, एक आया है पाँच आया है, अब एक को या तो प्लस एक रखो एक्स की जगह, या तो एक्स की जगह माइनस एक रखो, जो रखने पे यह जीरो दे दे, तो जो रखने पे जीरो दिया है, जैसे कि मान लो हमें एक्स बराबर एक रखने पे जीरो आ गया, तो एक को इधर लाएंगे क्या होगा एक्स माइनस एक, अब जो आएगा इससे इसमें भाग देंगे, भाग देने पे जो भागफल आएगा उसका फिर गुणनखंड करेंगे, जो आएगा हमारा लास्ट आंसर होगा, ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, अगर आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, अब इसके बाद हमने अगला वीडियो अगले क्वेश्चन का बना रहे हैं, तब तक क्या करिए आप, अगर आपको ये समझ में आ गया होगा तो अपने से सवाल को लगाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, जय हिंद जय भारत।